अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल खुशनुमा व्लॉग्स फूड फैमिली एंड फ्रेंड्स। कैसे हैं मेरे व्यूवर्स? आई होप सभी अपने घरों पर अच्छे और खुश और आबाद होंगे। अल्लाह करे सब अपने घरों पर खुश रहें। चलिए फिर मैं आज आपके सामने एक रेसिपी पेश करने वाली हूँ, वो है स्वीट डिश की रेसिपी। अभी चलिए मैं लौकी की खीर की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए फिर हम इसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। ये देखिए, मैंने एक बड़ा बाउल लिया है, ये घसने वाला लिया है, और एक अक्खा लौकी लिया है मैंने। इसको अच्छे से मैंने छील लिया है, ठीक है। अब मैं इसको ग्रेट करूँगी। ये लौकी मैंने ली छिली हुई, ये मैंने अक्खी लौकी ग्रेट कर ली। ग्रेटर में कुछ इस तरह लगेगा घिसने के बाद। ये देखिए कितनी बारीक हुई है, ठीक है। चलिए फिर अब मैं इसके बाकी के इंग्रेडिएंट्स आपको बताती हूँ। लौकी की खीर के लिए हमें इंग्रेडिएंट्स जो लगेंगे, वो मैंने एक अक्खा लौकी को अच्छे से ग्रेट कर लिया है। ये देखिए, हमें एक बाउल साबूदाना लगेगा जो कि मैंने सोक किया था एक घंटे तलक, और ये हरी इलायची किशमिश, ये हरी इलायची कूटी हुई, ये ग्रीन फूड कलर, ये तकरीबन आधा लीटर दूध है, इसको अच्छे से पका के मैंने ठंडा कर लिया है। ये हमारा घी है, देसी घी, आप इसके बदले और डालडा घी भी ले सकते हैं। ये पिसी हुई शक्कर है 1 बाउल, ये मैंने मिल्क मेड लिया है, नेस्ले का भी आप ले सकते हो, अमूल का भी ले सकते हो, इसके बदले खोया भी ले सकते हो, ये ऑप्शनल है, ठीक है। ये पिस्ता कट किया हुआ है, ये काजू बारीक बारीक कटे हुए हैं, ये चिरौंजी है, और ये बादाम है, ठीक है। चलिए फिर अब हम देखते हैं कि इसको लौकी की खीर को कैसे बनाएंगे। ये मैंने पैन लिया है, उसको गरम रखा है, फ्लेम मैंने मीडियम रखी है। अब मैं इसमें घी डाल दूंगी। ये देखिए, मैंने घी उसमें डाल दिया है। अब मैं हरी इलायची डाल दूंगी, कुछ कुटी हुई इलायची भी डाल दूंगी। ये देखिए, थोड़ा वो रेड हुए, इसको चलाना है हमें। अब मैं इसमें थोड़े थोड़े काजू, थोड़े मैं गार्निशिंग के लिए रखूंगी, पिस्ता, थोड़े बादाम और थोड़ी चिरौंजी, इसको मैं अच्छे से चला लूंगी। थोड़ी किशमिश भी डाल दूंगी। ये देखिए किशमिश मैंने डाला, कितनी अच्छी देसी घी की सुगंध आ रही है। ये देखिए इस तरह चलाना है हमारा, अच्छे से पकना चाहिए। बबल्स आपको दिख रहे हैं, थोड़ा सी इसको रेड करना है। ये देखिए पिस्ता हमारा पक के फूल गया है। अब इस पॉइंट पे मैं इसमें डालूंगी ये हमारा लौकी ग्रेट किया हुआ। अब मैं इसको अच्छे से चलाऊंगी। ये देखिए हमारा ये लौकी पानी छोड़ रहा है, आपको दिख रहा होगा। ये देखिए, अभी इसको और कुछ देर तक हम इसको अच्छे से पकाएंगे। अभी हमारा ये लौकी का पानी एकदम जल गया है, पानी दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। अब इसमें मैं ऐड करूंगी ये साबूदाना, ठीक है, सोक साबूदाना, इसको
इसको अच्छे से चलाना है हमें। अब मैं इसमें ऐड करूँगी शुगर जो कि पाउडर फॉर्म में है, आप अक्खी भी डाल सकते हैं, ये अकॉर्डिंग टू स्वीटनेस आप डाल सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो ज़्यादा शक्कर डालिए, कम खाते हैं तो कम डालिए। मैं मीडियम डालूँगी, मैं अप्रॉक्सीमेटली 4 टेबलस्पून शुगर डाला है मैंने, ठीक है। अब मैं ये मिल्क मेड डालूँगी, इसके वजह से हमारा जो लौकी के हलवे का जो है टेस्ट बहुत एनहांस होता है। कलर डालूंगी जो कि मैंने भिगो के रखा है, हमारी लौकी है तो जाहिर सी बात है ग्रीन कलर की होगी, थोड़ा हमें इसको ग्रीनिश टोन देना है, ज़्यादा नहीं आप थोड़ा ही डालिए कलर, ठीक है। ज़्यादा डालने से क्या है ग्रीननेस ज़्यादा आ जाता है तो वो ज़्यादा पसंद नहीं करते, और फूड कलर हार्मफुल भी है हेल्थ के लिए, तो आप जितना कम डालें उतना अच्छा है। इसको थोड़ी देर हमको पकाना है। मैंने जो आधा लीटर दूध लिया था वो मैं डाल दूंगी पूरा, क्योंकि लिए हम खीर बना रहे हैं लौकी का हलवा नहीं। ये देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर आया है, पिस्ता ग्रीन कलर, ये देखिए। मैं थोड़ा दूध और डालूंगी, ये देखिए हमें इसे तकरीबन 5 से 10 मिनट तक पकने देना है ताकि दूध लौकी और साबूदाना अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए हमारा दूध अच्छे से अब पक गया है, आपको बबल्स भी दिख रहे होंगे, खीर अच्छे से पक गई है, ये आपको घी भी नज़र आ रहा होगा, ये देखिए इसका मतलब हमारी खीर अच्छे से एकदम रेडी है, रेडी टू सर्व। अब मैं इस खीर को डिश आउट करूँगी, ये देखिए एकदम गाढ़ी हुई है। अब मैं ये खीर निकाल रही हूँ। चलिए फिर अब मैं गार्निशिंग करती हूँ। ये मैंने बादाम लिए हैं, बादाम से मैं थोड़ा डेकोरेट कर लूँगी। ये देखिए पिस्ता, एक काजू, ये चिरौंजी, ठीक है, और ये थोड़ी सी मैंने किशमिश बचा के रखी थी, और थोड़ा मैं मिल्क मेड इसमें डालूंगी। बहुत ही अच्छी खीर बनी है हमारी, आप इसे चाहें तो ईद पर भी बना सकते हैं, मेहमानों को सर्व करिए, इसे चिल्ड भी सर्व कर सकते हैं। इसको अभी हम फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए और फिर ठंडा सर्व करेंगे, ठीक है। देखिए हमारी लौकी की खीर कितनी अच्छी बनी है और देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लग रही है, आप इसे घर पर बनाइए और इंजॉय करिए, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपकी लौकी की खीर कैसी बनी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।